नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई थी, जहां आरजेडी को उन्हें आज याद करना चाहिए था, लेकिन आरजेडी के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें याद नहीं किया। लेकिन याद भी किया तो किसने? पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने, जहां उन्हें याद करते हुए एक मांग भी की है सरकार से कि उनकी प्रतिमा जो है वो सिवान में बननी चाहिए। आरजेडी के दिवंगत नेता पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज पहली पुण्यतिथि है। आज ही के दिन मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन पहले कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शहाबुद्दीन के निधन के एक साल बाद आज उनके परिवार में भी बहुत कुछ बदल चुका है। शहाबुद्दीन की बेटी की पहले शादी हुई, उसके बाद बेटे उसामा की भी शादी हो चुकी है। अपने बेटे और बेटी का रिश्ता शहाबुद्दीन अपनी जिंदगी में ही तय करके गए थे। उनकी पत्नी हिना साहब ने उनके अधूरे काम को पूरा किया। पहले पुण्यतिथि के मौके पर आरजेडी के नेताओं ने ही मोहम्मद शहाबुद्दीन को भुला दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि पर अब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उन्हें याद नहीं किया है। शहाबुद्दीन जिस पार्टी में थे, उस पार्टी ने आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद नहीं किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने अपने शब्दों में शहाबुद्दीन को याद किया है। जीताराम मांझी ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिवान के विकास की पहचान अपनी बेबाकी की वजह से आज भी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। इसके साथ ही जीताराम मांझी ने राज्य सरकार से पूर्व सांसद की प्रतिमा सिवान में लगाने की मांग भी रख दी है। जहां आरजेडी आज मोहम्मद शहाबुद्दीन को भूल बैठी, जिस पार्टी से वो सांसद थे और जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने उन्हें याद करते हुए राज्य सरकार से उनकी प्रतिमा जो है वो सिवान में लगवाने की मांग की है। वहीं उन्होंने उनके कार्यकाल और साथ ही उनके कार्य को याद करते हुए कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में आरजेडी पे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आरजेडी अपने ही सांसद को कैसे भूल गई। एक भी ट्वीट न तो तेजस्वी यादव की तरफ से आया और न ही लालू यादव की तरफ से कोई ट्वीट आया, न ही कोई बयान आया आरजेडी के किसी भी नेता के तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए। ऐसे में कह सकते हैं कि आरजेडी अब सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भूल चुकी है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।